रीवा में निजी एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी के चलते मरीज आफत में फंस गया। दरअसल मामला संजय गांधी अस्पताल का है, जहां विगत दिनों पांडन टोला निवासी शुभांगी निगम छत से गिरकर घायल हो गई थी, जिसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से चिकित्सकों ने जबलपुर के लिए रेफर कर दिया। एम्बुलेंस से मरीज को लेकर परिजन जबलपुर पहुंचे और कहा कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना है, लेकिन कमीशन के लिए एम्बुलेंस चालक और उसके साथियों ने संस्कारधानी अस्पताल में भर्ती कर दिया, जहां के चिकित्सकों ने पहले तो कहा कि आयुष्मान कार्ड से उपचार हो रहा है, लेकिन 14 तारीख के बाद अब उनसे 75,000 रुपयों की मांग की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि उसका आयुष्मान कार्ड भी जमा किया गया था और अब पैसे भी उससे मांगे जा रहे हैं। अब उसके पास पैसा नहीं है, जो था गहने जेवर बेचकर चुकता कर चुका है। बताया जाता है कि घायल के पिता की मौत हो चुकी है, एक छोटा 13 साल का भाई है और ऐसे में अब मरीज को संस्कारधानी अस्पताल से छुट्टी ही नहीं दी जा रही है, जिसके चलते पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं परिजनों ने क्या जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। पूरी घटना बताइए, कैसे घटना घटी थी, एम्बुलेंस वाले कैसे ले गए और आप कैसे फंसे वहाँ? जी जी, ये बिटिया हमारी बाथरूम आ रहे थे नीचे छत से, जी ये इसके गले में ताबीज थी, मोटी अच्छी मतलब ताबीज, रेशम धागा के, ब्लैक कलर के धागा है। ये लाइट गोल ये दरवाजे में फंस गई, गिर गई। ये बेहोश हो, हम लोग छत में थे, ऊपर से आवाज आई, मतलब के नीचे जैसे क्यों नहीं आई ऊपर, ये हम लोग आए, बेहोश हो गई है, बेहोश थी, हम लोग संजय गांधी ले गए। संजय गांधी ले गए तो मतलब ऑक्सीजन बस लगाए थे इसको, अब आराम वहां से नहीं समझ में आता, मतलब वहां के बोले तुम बाहर ले जाओ, वहां से हमने बोले मेडिकल नगर मेडिकल स्टोर में, मेडिकल जो डॉक्टर है वहां पे ले चले जबलपुर में। एम्बुलेंस वाला बोला ठीक है, अब रस्ते में आके बोलता है इसमें हतार ले चलो, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढकाना, ये है वो है, अच्छा है ये है वो। हमने बोला देखो इसके पास हमारे पैसा नहीं है, बोला आयुष्मान कार्ड लगे तुम क्यों, पर तुम्हारी दवाई फ्री में होगी। हमने माना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं ले चलो हमको वहाँ दिक्कत, अरे तुमको टेंशन नहीं है तुम वहाँ ले चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आयुष्मान कार्ड लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बोले आयुष्मान कार्ड दिखा इसका, आयुष्मान कार्ड बोले लग जाएगा, 3 दिन हो गए बोलते आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा। आपका आयुष्मान कार्ड जो लोग लिए थे जो संस्कारधानी अस्पताल वाले हैं, आयुष्मान कार्ड ये लोग लिए हैं सर, बाकी जो पैसा आपने दिया कैसे चुकता किया फिर? उस दिन पहले मतलब जब इनका वो दो, एक दो दिन हो जाए तो 10,000 कहीं पर्ची दे कहीं 15,000 की पर्ची दे। हमने पहले 25,000 रुपए टोटल जमा कर दिए। कैसे जमा किए आप, कहाँ से पाए थे पैसे? तो हम लोग गहना गुड़िया बेचे वहाँ दे थे। आप क्या कहते हैं डॉक्टर? अब डॉक्टर बोलते हैं टोटल 73,000 के बिल बनाए, दवाई जो लोग हम लोग मतलब 70-80,000 की दवाई लाए तो बात अलग है। तो अभी आप अस्पताल में ही हो वहाँ जबलपुर में? जी जी अस्पताल में है। क्या चाहते हो अब? चाहते हैं सर हमारी समस्या के समाधान के लिए, मैं क्या करूं कहां से पैसे लाऊं बताइए। अब मरीज ठीक हो गई है, आपकी बहन है शुभांगी ठीक हो गई, मैं फोटो भेजा मरीज 3 दिन से बोल रही हमको घर ले चलो मैं ठीक हूं, लेकिन छुट्टी नहीं रहे डॉक्टर, छुट्टी नहीं दे रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं शुभांगी के? शुभांगी के मैं किरायेदार हूँ, एक उसके घर में रहता हूँ, उनके कोई माँ बाप माँ नहीं बाप नहीं है उसका, मैं किराया उसके घर में रहता हूँ, मैं ही ले गया एडमिट करवा उसको। भाई कितने साल का है इनका? भाई 13 साल का है, 13-14 साल का है। एम्बुलेंस वाले को पहचानते हैं आप? एम्बुलेंस वाले को मैं फोटो भेजा हूँ सर, वही लड़का था, बाकी तो एक दिन मरीज लेके मैं उसको बोला क्यों लेके तो भाग गया यहाँ से। चलिए ठीक है ठीक है जी सर।